आनंद आ गया आज भैया, पहली बार सच में मैं पहली बार इतना हंसी हूँ, मतलब गति पे इतना सब बड़ा नहीं करता, बढ़िया है वैसे वो डांस बहुत अच्छा करता है, स्टेप बाय स्टेप करता है। मैं देखती हूँ ये दोनों भैया करते हैं, ये जो खड़े रहते हैं वो हमेशा करते हैं, वो भी करते हैं, और सेकंड वाला तो मैंने आज ही देखा है उसको अच्छे से, बट वो बहुत अच्छा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप हमेशा इसी तरह नृत्य करते रहे प्रभु के। देखो ये हकीकत हम लोग ना इनको पागल समझते हैं, लेकिन पागल शब्द का भी अपना एक मतलब है। पागल शब्द क्या है? पा माने जिसने पा लिया हो प्रभु को, गा माने ये गलाना है शरीर को, देहा अभिमान खत्म करना है, ला माने लौ लगाई है भगवान से। तो ये पागलपन जो है वो हम लोग कहते हैं ये पागल है, नहीं ये बहुत कुछ कमा रहे हैं अपने लिए। बैठ जाओ भैया, अब नहीं दादा बस बैठ जाओ, बस अब नहीं बहुत हो गया, अब बैठ जाओ। सम्मानित भी हैं रमना देव, वाइफ ऑफ नीटू यादव दुल्हापुर से, एक माल्यार्पण के माध्यम से और एक गिफ्ट के माध्यम से सभी भैयाओं को सम्मानित किए हैं 10-10 रुपए के पुरस्कार से। बिहारी जी आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें, आप सदैव मैया के चरणों में नतमस्तक रहें। जैसा कि आप सबको पता है, मैं अभी बोल भी चुकी हूँ कि दुल्हापुर में कार्यक्रम हुआ था, बहुत अच्छा कार्यक्रम, यही भैया है जो कार्यक्रम हुआ था, ये भाभी है और ये भैया पूरा इनका एक परिवार जिनके यहाँ कार्यक्रम हुआ है, वो बार बार हमको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको दिल से कि आप हमेशा अपने माता पिता की सेवा करते रहे और इसी तरह धर्म के कार्य करते रहे। 101 रुपए के पुरस्कार से आदरणीय श्री राम सेवक यादव जी ने भी मुझे सम्मानित अभी किया है, आपके लिए मैं क्या कहूँ। ऑलरेडी आप पहले से ही पुजारी हैं माँ के, बिहारी जी के, भोलेनाथ के गुरु गोरखनाथ महाराज जी के, जहारवीर बाबा के, तो मेरे पास शब्द नहीं है और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इसी तरह हमेशा इसी तरह लगे रहें, प्रभु के ध्यान में मस्त रहें, जीवन का उद्देश्य जो पूरा आप कर रहे हैं वो करते रहें, मेरी यही आशा और यही आकांक्षा है।